क्या बीवी मिली है इसे? एकदम सही करा भाई, किस्मत वाला है किशन। अरे एकदम नगीना लेके आया यार, सच में यार। आओ बैठो। दूध दे दो, बहुत प्यासा हूँ। क्या हुआ, खटमल काट गया क्या? अरे नहीं, आप तो हमें भूल ही गए, पूरा का पूरा दूध पी लिए। सॉरी सॉरी, पहली बार शादी हुई ना इसलिए। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अरे अरे नहीं, लोग क्या सोचेंगे, बैठिए ना। आप बैठिए ना। घूंघट उठाने में देरी क्यों? ये तो आपका काम है जी। जी समझ गया, आज तो कनेक्शन जोड़ना ही पड़ेगा जी। हम प्लम्बर है ना, तो लोगों के घरों में जाके प्लम्बिंग का काम करते। तब भी तो मेरे प्लम्बर भाई ने इस प्लम्बर को चुना। अरे सो गए क्या? स्वर्ग देखने गए थे। हमें भी दिखाइए ना। बहुत ही सुंदर हो। फोन डॉक्टर साहब। मेरी नींद खराब करके तुम आराम से सो रहे हो? मैं जाग रहा हूँ साहब, हमारी शादी हुई है और हमारी बर्बादी। ये सब सड़ा गला सामान लगाता है। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? अब मैं खोचू, कौन सा घटिया पाइप लगाया तूने? घर तालाब बन गया, तू अभी आ। सुनिए तो सही, हमारा पैसा भी डुबाता है चोर। कल सुबह होने से पहले आपका काम कर दूंगा। जल्दी आ तू निकल के अभी, अबे तब तक तो हम लोग मर जाएंगे डूबकर। आते हो या मैं वाओ? बाय। अभी या? अभी? अभी? जल्दी। ठीक ठीक आते। तुम डॉक्टर साले, टेंशन में भूल गया। तुम सोना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। केला खा लेना, बहुत टेस्टी है। धीरे धीरे खाना, खत्म होने से पहले मैं आ जाऊंगा। हम आते, जल्दी आते। लेकिन दुल्हन को छोड़
आज इस डॉक्टर के ऊपर ही स्कूटर चढ़ा देना है। बदलिए ना, बदबू आ रही है। मैं भी बुद्धू। आप भी ना। अच्छे कपड़े उतारती है, किसी तो मोजड़ी भी भूल गया। अच्छा आज तो अनुज हेलो, किशन बोल रहा हूँ। हेलो मिश्रा जी, आप हैं क्या? आपकी आवाज क्या हो गई, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। इनके घर में क्या लगाया था? टंकी, पानी की टंकी। जाओ। वो हाँ खा लूंगी। पानी की टंकी, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। सारी जिम्मेदारियां अभी से संभाल ली। इसे कहते हैं चाय। अरे बहू, बेटा बाद में अपनी सास को भी सिखा देना कि चाय कैसे बनाई जाती है। अरे लो, आ गया बेटा। पिताजी गुस्से में क्या जवाब दे। अरे बेटा, तुझे इतनी देर कैसे हो गई? पिताजी नमस्ते। अरे किस्मत वाले हो जो ऐसी बीवी मिली है तुम्हें। आप ठीक तो हो? मैं पूरी रात रुकी थी आपके लिए, मुझे लगा आप आ जाओगे, लेकिन आप तो आए ही नहीं। सब ठीक है ना? पता नहीं कहाँ से घटिया माल लाता है ये। दिन भर उल्लू बनाता रहता है, छोड़ूंगा नहीं इसको। चालू माल लगाता है, अक्ल मिला ना तो। एक बेवकूफ है, ये लूट रहा है सबको। आने तो इसे। मैं कह रहा था इसे काम मत करो। बार बताते हैं इसे। आने तो इसे। कैसे काम करता है ये? लूट रहा है सबको। अरे फिर पानी बंद हो गया, कैसे काम करता है ये? आने तो इसे। चाय ये चाय आपने बनाई? क्यों, अच्छी नहीं है जी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, और ऐसी चाय तो पी ही नहीं मैंने आज तक। पिताजी सही कहते हैं। एक बात कहूं,
एक प्लम्बर की भी इज्जत होती है ना दुनिया में। क्या सुहागरात पर भी आपको इतनी गाली पड़ी? कुछ कहूंगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, नहीं, नहीं। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। अब तक आपने लोकल और चालू प्रोडक्ट यूज किए, अब ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, मैंने क्या यूज किया? वो तो वो लोग देखो सही काम करोगे तो हमारे साथ सही ही होगा। मेरे भैया को देखो, वो तो किस्मत वाला है। और किस्मत आपके दरवाजे पे है। अरे भैया प्रणाम भैया कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आपके जीजा जी बहुत परेशान हैं। भैया प्लीज आप ही इन्हें समझाइए ना। टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। अच्छा माँ ने बहुत सारी चीजें भेजी हैं, गाड़ी में रखी है, जल्दी जल्दी जा लेकर आ। जी मैं आती हूँ जी। क्या हुआ जीजा जी? क्या हुआ क्या बताएं, रात भर कड़ी मेहनत, काम काम। आप बैठो, मैं नहा के आता हूँ। अरे गुड्डू कुर्सी लाना जल्दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम आ गए। अरे यार दो दिन रुक जाते, ऐसी क्या जल्दी थी? अभी अभी तो शादी हुई है, मेहमान आ जा रहे हैं। तुम लोगों को बहुत जल्दी है यार। जीजा जी छोड़िए छोड़िए छोड़िए। अच्छा जीजा जी एक बात बताइए, हाँ आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? शादी हो गई है, बच्चे पैदा होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा। और माँ बाप की सेवा करूंगा। और क्या? बच्चे बड़े होंगे तो हम लोगों की सेवा करेंगे, और क्या लक्ष्य उसके आगे? और तुम यार रेगिंग कर रहे हो कि यार सवाल पूछ रहे हो? सुनो मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आपकी बहन को रानी बना के रखूंगा। जीजा जी वो तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ये सब होगा कैसे? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अरे मैं देखने में ऐसा हूँ लेकिन काम में बिल्कुल फोकस। बोली बोली रुक क्यों गए? काम में क्या, रुक क्यों गए? पर काम में क्या, टेंशन मत लीजिए, ये सब होगा, जरूर होगा, जब काम में विश्वसनीय और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करोगे। मोबाइल दीजिए अपना। क्यों दीजिए तो सही, आप भी ना सवाल बड़े करते हैं। देखिए, अरे ये तो वेक्टस है, टंकी और पाइप बनाने वाली कंपनी, मैं जानता हूँ। केवल बड़ी नहीं, टेक्नोलॉजी में विश्व की बड़ी कंपनी, 27 सालों का भरोसा है इस कंपनी के साथ। भारत में 14 जगह वेक्टस के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अच्छा जी हाँ, तभी तो वेक्टस प्रोडक्ट्स यूज करने से मुझे भी इज्जत मिलती है अपने कस्टमर से। मुझे वेक्टस के बारे में और बताना यार, मजा आ रहा है। चाय। बहन बहुत सुंदर है साले साहब। तो बहन किसकी है? तो पत्नी किसकी है? गरम गरम अदरक वाली चाय। वहाँ मुझे थोड़ी खरकस भी हो रही थी, अच्छा किया। आप दोनों बातें कीजिए, मैं जरा खाना बना कर आती हूँ। ठीक है जी। जीजा जी वेक्टस कंपनी का लक्ष्य है समाज के लोगों की बेहतरी के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक से, न टूटने का खतरा और न पानी में बदबू। यानी वेक्टस से साफ पानी की एकदम गारंटी। जी हाँ, इनके पास टैंक से लेकर हर तरह के पाइप्स की कंप्लीट रेंज है। अच्छा मतलब एक ही कंपनी के मटेरियल को लगाना, बाकी 4-6 कंपनियों जो चक्कर लगाने बिल्कुल खत्म। सही पकड़े हैं आप। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सारे के सारे इंडिया में फैला हुआ है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह वेक्टस अवेलेबल है। जी जी जी। मोबाइल दीजिए, फिर से रख लिया आपने, मोबाइल दीजिए एक बार। लाओ लाओ। अब क्या है? ये जो हमने वेक्टस ऐप डाउनलोड किया है, इसमें इनके एक एक प्रोडक्ट्स की कंप्लीट डिटेल्स है, समझ लीजिए आप। समझ लिया, अब से तुम्हारे जीजू को गाली नहीं ताली मिलेगी। ए, चलो रे आज पार्टी।
पार्टी शाम को दोबारा फिर रखेंगे। अरे चाय तो पी ले, मैं तो एक्साइटमेंट भूल ही गया। आप भी जीजा जी। अरे वेक्टर्स वाला मामला है ना। पीजिए पीजिए चाय पीजिए। हम तो रात दिन काम कर कर परेशान थे, अब तुमने ये दे दिया है, हमारा काम आसान। बस अब दिन ब दिन तरक्की ही तरक्की। अरे रात का काम दिन में मत कर। एक खुशखबरी है बापू। अरे इतनी जल्दी? आप भी ना। माँ ने आपके लिए भेजे हैं मोतीचूर के लड्डू। अच्छा, माँ ने तुम्हें भी तो भेजा मेरे लिए। अच्छा भैया ने आपको क्या क्या समझाया? अरे पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी है। क्या बात कर रहे हो? एक्चुअली हम प्लम्बर लोग हैं ना, हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ प्लम्बर बचा सकता है। वो कैसे? दुनिया बगैर पानी चल सकती है क्या? नहीं। यानी जल ही जीवन है। हाँ। और बेकार का प्रोडक्ट यूज करने से ये जल खराब हो जाता है, यानी जीवन खराब हो जाता है। तो फिर इस दुनिया को कौन बचा सकता है? आप। प्लम्बर्स। तो फिर आज से वेक्टर्स यूज करोगे? आज से वेक्टर्स, कसम से। अच्छा सुनो, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। बेटा घर का ख्याल रखना। बापू जी, मुझे लगता है भैया ने बापू को भी समझा दिया। वेक्टर्स कसम से, अब ना छोड़ेंगे तुम्हें भी कसम से। आज से वेक्टर्स कसम से, 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 आज से वेक्टर्स कसम से। वो कसम वो ही जेस्चर लाना है। आज से वेक्टर्स कसम से, 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 आज से वेक्टर्स, आज से वेक्टर्स कसम से। बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक से बना है वेक्टर्स वाटर टैंक्स एंड पाइप्स। कसम से। हाँ।